देश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। वहीं कई राजनीतिक पार्टियां भी इसमें अपना भाग्य आजमाने वाली हैं। ऐसी राजनीतिक पार्टी लोकतांत्रिक साझा पार्टी ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। इस मौके पर लोकतांत्रिक साझा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाधिकारियों की घोषणा की। लोकतांत्रिक साझा पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भागीदारी मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि लोकतांत्रिक साझा पार्टी परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद समाप्त कर सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। कहा, लोकतांत्रिक साझा पार्टी 5 वर्ष में 5 मुख्यमंत्री अलग अलग जातियों के बनाने का प्रयास करेगी। साथ ही पार्टी किसानों को घरेलू बिजली माफ, शहर में हाउसिंग लोन लेने वालों को 25,000 तक का ब्याज और व्यापारियों का 10% टैक्स वापस दिलाएगी। अशोक कुमार, लखनऊ, समाचार 24। लोकतांत्रिक साझा पार्टी का गठन हुआ है, जिसमें हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे अलग अलग जातियों के। एक बार एक मुख्यमंत्री बन गया, वो दोबारा नहीं बन पाएगा, और 10 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारी पार्टी गरीबों का हित सर्वोपर रखेगी, और विधायकों की निधि, सांसद की निधि और पेंशन हम बंद करके ये पैसा गरीबों के हित कल्याण के लिए उपलब्ध कराएंगे। जैसे किसानों की बिजली, घरेलू बिजली माफ़ कर दी जाएगी और डीजल पर वैट खत्म कर दिया जाएगा, जिससे किसानों को 40 रुपया लीटर, 50 रुपया लीटर डीजल मिलने लगेगा। और इसके अलावा शहर के जो ठेलिया, रिक्शा, साइकिल चलाते हैं, उनको एक एक ठेलिया, रिक्शा, साइकिल, गुमटी हम देंगे ये इसी पैसे से। और ये जो हाउसिंग लोन लेते हैं लोग शहरों में, तो उस पर 25 लाख तक का ब्याज गवर्नमेंट देगी अपने कार्यकाल में। इसके अलावा जो बैट जो टैक्स जमा करता है व्यापारी, उस पर 10% उसको वापस किया जाएगा उसके खर्चे के लिए। अकाउंटेंट रखता है उसके काम के लिए। कितने विधानसभा पर आप अपने कैंडिडेट को उतारेंगे? नहीं, मिनिमम 200 विधानसभा पे हम उतारेंगे अपने कैंडिडेट। हाँ, गठबंधन ये इनसे रहेगा, भागीदारी मोर्चे से हमारा गठबंधन होगा। के बाद झांसी में छात्र राजनीति की, छात्र संघ अध्यक्ष रहे, कम्युनिस्ट पार्टी में काम किया, वहाँ लोकतांत्रिक सोच और लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने सीखी। इसके बाद कुछ दिन हम बहुजन समाज पार्टी में रहे, लेकिन वहाँ का परिवारवाद और व्यक्तिवाद देख करके हमें तकलीफ हुई। तब 7 फरवरी 2016 को हम लोगों ने लोकतांत्रिक साझा सामाजिक संगठन तैयार किया। पहली बैठक अंबेडकर महासभा लखनऊ में हुई। इसके बाद लगातार पूरे देश में ये बैठकें चलती रहीं, और अब लोगों ने महसूस किया कि ये लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में आना चाहिए, जिससे समाज में और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की जा सके और लोकतांत्रिक साझा सरकार दी जा सके। इसलिए ये लोकतांत्रिक साझा पार्टी का गठन किया गया, जो देश में राष्ट्रीय राजनीतिक विकल्प देगा और साझा सरकार बनाएगा। यूपी में बीजेपी की सरकार है, 400 पार का नारा चल रहा है, अखिलेश यादव 400 पार का नारा दे रहे हैं, बसपा भी है, कांग्रेस भी है, आरएलडी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, आप कहाँ देखते हैं? सच ये है कि कोई पार्टी इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने दम पर सरकार बना सके। सब गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम भी ऐसे लोगों से सशर्त गठबंधन करेंगे जो हमारी साझा की कम से कम 2 मांगे ले करके चलेंगे। एक तो ये कि 5 साल में 5 जातियों के 5 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, 5 साल में 10 जातियों के 10 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, या विधायक सांसदों का पेंशन और निधि समाप्त करके किसानों, मजदूरों, कमेरा समाज के लिए लगाया जाएगा।